दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार से हैं और आपका भी बिल में गड़बड़ी हो गया है, बिजली बिल गलत भेजा गया है, आपको लगता है कि बिल बहुत ज़्यादा भेजा गया है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत कैसे करें अपने फ़ोन से ही। सो आज के इस वीडियो में हम आपको यही प्रोसेस बताने वाले हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, इस प्रोसेस से करके अपना शिकायत को आप आराम से कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस से करके शिकायत करके आपका समस्या सॉल्व भी हो जाए जल्द से जल्द। तो क्या है प्रोसेस, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको हम बताते हैं। बिजली बिल का ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको इस पोर्टल पे ओपन होना पड़ेगा। इस पोर्टल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए, इसी पेज पर आ जाइएगा। और जब इस पेज पर आ जाइएगा तो यहाँ पर देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है, रेड जैसा ग्रीवेंसेस पोर्टल, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। जैसे नया पेज खुला है तो शुरुआत में ही देखिए यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सबमिट योर ग्रीवेंसेस, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक नया पेज खुलेगा, यहाँ से आपको सारा फॉर्म भरने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ से क्या क्या ऑप्शन आ गया है, आपका कंपनी कौन सा है, यानी आप बिजली जो ले रहे हैं किस कंपनी से ले रहे हैं। तो बिहार में दो ही कंपनी है, एक तो नॉर्थ बिहार है, एक साउथ बिहार है। तो मेरा नॉर्थ बिहार है तो नॉर्थ बिहार के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। और मेरा अंचल कौन सा है, आपका अंचल कौन सा है, अपने अंचल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो भी अंचल होगा उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन लीजिएगा। उसके बाद आपका डिवीज़न कौन सा है, तो मेरा डिवीज़न जो भी होगा हम चुन लेंगे, आपका डिवीज़न जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका सब डिवीज़न आपका कौन सा होगा वो देख लीजिएगा, सब डिवीज़न में आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं कि देहात के क्षेत्र से है वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि सेक्शन कौन सा है, यानी प्रशाखा कौन सा है आपका, तो प्रशाखा भी आप देख लीजिएगा आपका जो होगा। तो जैसे कि मेरा है कटिहार। उसके बाद आपका सब डिवीज़न जो भी होगा प्रशाखा वही होगा, क्योंकि मेरा तो उसी ढंग से है, आप अपना देख लीजिएगा, ये सब पता तो आपको खुद ही पता होगा जो भी होगा। उसके बाद यहाँ से शिकायत की श्रेणी है, आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ढेर सारा ऑप्शन आएगा आपका कौन सा शिकायत है। जैसे मेरा देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, लेकिन हम तो बताने वाले हैं कि मेरा बिजली बिल का इशू है, तो बिजली बिल के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ बिजली बिल इशू है, तो बिल इशू के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद समस्या का विवरण, यानी आप अपने यहाँ से विवरण लिखेंगे कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना बिल पिछले मंथ में आया था, इस मंथ में इतना बिल आ गया है, वो सारा शिकायत आप अच्छे से यहाँ से लिख लेंगे, नहीं तो और कहीं से लिख के कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कॉपी करके डाल देंगे। उसके नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से लिखा हुआ है एप्लीकेशन नेम, यानी जिसके नाम से बिजली बिल है उनका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, उनका उसके बाद नीचे में उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका बिजली बिल से जो रजिस्टर्ड हो वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। और ईमेल आईडी भी दीजिएगा, ज़रूरी है एकदम देना, कॉन्टैक्ट इसी पे होगा। उसके बाद उपभोक्ता संख्या यानी आपका कंज्यूमर नंबर जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नीचे देखिए च्वाइस फाइल है, अब च्वाइस फाइल में भी आपको क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे च्वाइस फाइल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और अपने गैलरी में, पहले तो आप सेव करके रख ले, पहले क्या कीजिएगा कि गैलरी में आप मीटर का रीडिंग वाला जो है उसको फ़ोटो खींच लीजिएगा। उसके बाद आप जो आपका जो गलत बिल आया है उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा, दोनों का फ़ोटो को आप पीडीएफ में बना के आप यहाँ पे या तो अलग अलग ही आप दोनों फ़ोटो को चॉइस करके डाल दीजिएगा, या तो पीडीएफ में डालिएगा, पीडीएफ में डालना सही रहेगा, तो पीडीएफ में डाल दीजिएगा और सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। तो यही आपका ऑनलाइन शिकायत हो गया। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, आप 10-15 दिन वेट करें, उसके बाद आप एक बार पता कर लीजिएगा आपका समस्या सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो एक बार आप ऑफिस जाके आप पता कीजिएगा, और नहीं तो फिर से आप दोबारा शिकायत कीजिएगा, दोबारा नहीं होगा तिबारा कीजिएगा, ऑनलाइन है आपका रिजेक्ट कितना बार करेंगे, एक बार दो बार करेंगे, तीसरा बार उनको जवाब देना ही होगा। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिजली बिल का बिहार में ऑनलाइन शिकायत कैसे किया जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।